हेलो दोस्तों, के हिसाब से व्लॉग आप सभी का एक नए व्लॉग में वेलकम है। अभी जो है बज गए सुबह के 10 बज गए, सुबह के 10 बज चुके हैं और आज जो है भाई सेकंड दिन है। लद्दाख ट्रिप आज से शुरू हो जाएगा। कल पहला दिन था हमारे लद्दाख ट्रिप का, कल से हमारा लद्दाख ट्रिप शुरू हो चुका है। और कल सिर्फ मैंने जो है पैकिंग की, अपने बैग्स की, बाइक की सर्विसिंग वगैरह कराई थी और आज से जो है फाइनली हमारा ट्रिप शुरू हो चुका है। तो इस ट्रिप में जो है हिमाचल प्रदेश के काफ़ी सारे गांवों को, डिस्ट्रिक्ट को कवर करने वालों में और लद्दाख भी जाऊंगा। तो यहां से हमारे गांव से जो लद्दाख वो लगभग 800 से 900 किलोमीटर की दूरी पर है और जो मनाली है वो लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि ये जो मेरा गांव है वो है बिजनौर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर और हमारे गाँव से जो मनाली वो ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर बैठ जाता है। तो ये जो पूरा ट्रिप है बाइक से कंप्लीट करने वाला हूँ और मेरे पास जो बाइक है वो है यामाहा MT15 वर्जन 2। एंड अरण्या भी फाइनली रेडी हो चुकी है। अरण्या का जो लुक है भाई कुछ इस तरह का, देखो बाल इस तरह से बनाए हैं और ये ड्रेस पहना है। तो अरण्या का पहला ट्रिप है भाई इतना लंबा, मतलब लगभग 800-900 किलोमीटर सिर्फ बाइक पर बैठना है। तो पहली बार इतना लंबा रोड ट्रिप कर रहे हैं अरण्या, इससे पहले कोई भी रोड ट्रिप भाई किया नहीं है। मनाली के इस ट्रिप के लिए भाई मैंने एक नया अपना सेटअप किया है रेडी, और ये जो सेटअप है गोप्रो का, तो गोप्रो मैंने लिया था एक, और इसमें जो है एक्सटर्नल माइक भी लगा लिया, अलग से माइक लगा लिया क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रिप है तो इससे काफ़ी अच्छी वीडियो शूट हो जाएगी। और ये है भाई लगेज हमारा, ये पूरा बैग जो है कपड़ों से है और जो हमारी डेली यूजेस की चीज़ें हैं उनसे भर चुका है। तो एक काफ़ी बड़ा सा ट्रैवल बैग है और इसमें ही सारा मैंने सामान रख लिया है। और ये वाला जो हेलमेट है ये अरण्य के लिए मैंने ले लिया, अरण्य इसको पहन ली और अरण्य ने लिया एक बैग, इसमें अरण्य ही सारी चीज़ें, मेकअप वगैरह, और पासपोर्ट भी लिया है अरण्य ने, क्योंकि भाई होटल वगैरह में चेकिंग होगी तो पासपोर्ट के बिना होटल में चेकिंग नहीं करते हैं। और भाई गाइस ये है मेरा गोप्रो का सेटअप, इस तरह का कुछ लुक दिख रहा है गोप्रो लगाने के बाद में। चलो अम्मी ठीक है ना, इधर से जाया जाएगा सहारनपुर से। तो भाई लगेज फाइनली मैंने बाइक पर रख दिया, देखो बहुत बड़ा बैग लग रहा है भाई, इट हैवी राइट, इट हैवी। एक जगह ना है इसमें मम्मी, बोतल रखने के लिए जगह ना बची। ओके सीट, इट्स ओके सीट, यू नीड टू टेक बैक साइड दिस। ठीक है चलो मैं, है ना ठीक, इट वेरी। तो दोस्त फाइनली अभी गांव से निकल रहे हैं और ये अभी गांव हमारा, अभी थोड़ा सा 2 से 3 किलोमीटर आगे जाकर मतलब गांव को पार करके ना जो बैग है मेरा अरण्य को दे दूंगा पीछे, उसके बाद में गूगल मैप लगाना है। अभी जो है नेशनल हाईवे 9 पर आ गए और ये नेशनल हाईवे यहां से पहले बिजनौर जाएगा, बिजनौर से सहारनपुर, उसके बाद चंडीगढ़। एंड मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में अभी लोकेशन ना चंडीगढ़ की ऐड की है। चंडीगढ़ यहाँ से लगभग 293 किलोमीटर है, लगभग 5 आवर का टाइम दिखा रहा है, यहाँ से 5 घंटे दिखा रहा है। इसमें वैसे मौसम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा है, टेम्परेचर अभी जो है 26 का है और पता है आपको लगभग 10:30 बज गए हैं। अभी एक महीना पहले ना यहाँ पे इस वक्त जो है टेम्परेचर लगभग 32 का हो जाता था, तो माशाल्लाह टेम्परेचर आज बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अभी ना राइड करते हुए मतलब गर्मी नहीं लग रही है, वरना एक महीने पहले मैं राइड पर गया था तो इस टाइम लुए लग रही थी, पूरी स्किन ख़राब हो गई थी, पूरे हाथ पर एकदम काले पड़ गए थे। तो
सो यही रीज़न था कि मैंने ना यही मंथ चूज़ किया है कि अपना जो लद्दाख का ट्रिप है ना इस महीने में कंप्लीट करूँगा, ताकि मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। गूगल मैप में लगभग 2 किलोमीटर बाद एक पेट्रोल पंप दिखा रहा है, HP का पेट्रोल पंप है, वहाँ पर पेट्रोल फिल कराना है। हमारे यहाँ ना यार यूपी में पेट्रोल का जो रेट है ना इस वक्त वो लगभग 85 चल रहा है नॉर्मल पेट्रोल का, और जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल आता है उसका जो रेट है लगभग 101 पहुँच चुका है। तो पेट्रोल मतलब ठीक ठाक रेट हो चुका है भाई यहाँ पर। और हिमाचल का मुझे पेट्रोल का रेट पता नहीं है वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ का शायद ज़्यादा रेट हो सकता है कम हो। राइट साइड में देखो मेरा पेट्रोल पंप आ चुका है, यहीं पे पेट्रोल फिल करा लेता हूँ भाई। लगभग 800 रुपये में मेरी टंकी फुल हो जाएगी MT-15 की। हाँ ना है भाई, करना भैया जरा फुल कर दो टैंक इसका। क्या मफरल तो परेशान कर रहा है इसमें। हाँ इसका छोटा है, अंदर डालना करके 97.94 और करो देखो इसमें देखो। हाँ हाँ तो भाई पेट्रोल का जो रेट है ना मैं जो बता रहा था आपसे कि 84 चल रहा है, 84 नहीं है यहाँ पे लगभग 94 है जो नॉर्मल पेट्रोल है, और भाई जो प्रीमियम पेट्रोल है उसका रेट है लगभग 110 रुपये है। तो भाई पेट्रोल का ना प्राइस अच्छे कहाँ से बढ़ चुके हैं, मतलब बहुत महंगा हो रहा है इस टाइम पर पेट्रोल। और गाइज ये जो है फाइनली बिजनौर में एंट्री कर ली है मैंने, ये है बिजनौर का एंट्री वाला रोड, तो यहाँ से बिजनौर शुरू हो जाता है। तो भाई जो ये बिजनौर का बंदा है ना और वीडियोस देखता है यार, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर करो, आप सभी लोगों का भाई सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे ना आगे राइट साइड में बस स्टैंड है, बस डेपो है यहाँ पे, यहाँ से दिल्ली मेरठ के लिए बसेज मिल जाती हैं, और शायद कभी भी खड़ी होगी यहाँ से बसेज मिलती है बिजनौर के इस बस स्टैंड से। तो मैं वैसे कभी भी दिल्ली जाता हूँ ना तो वैसे मैं इधर से जाता नहीं बिजनौर से, मैं जाता हूँ गजरौले से होता है, क्योंकि वहाँ से बसेज भी मिल जाती हैं जल्दी, और वहाँ से क्या है ना कि टाइम कम। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आप ये क्यों बता रहे हो कि यार बिजनौर जाने में इतना टाइम लगता है, मैं इस रोड से जाता हूँ उस रोड से जाता हूँ, भाई इसका रीज़न है, रीज़न ये है कि ये मेरा होम टाउन है, मैं यहीं पे रहता हूँ, मतलब गांव मेरा बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। भाई यार ये कंप्लेंट है हमारे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से, बिजनौर से जो बैराज गंगा बैराज तक रोड जाता है ना इसकी हालत भाई ज़्यादा ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा टूटा फूटा पड़ा है, थोड़ा सा ये रिपेयर हो जाएगा ना तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। क्योंकि अगर मुझे चंडीगढ़ जाना है तो मुझे इसी रोड से होकर जाना होता है, अभी लगभग 15 किलोमीटर के बाद में एक राइट कर लेना पड़ेगा, मुझे राइट टर्न लूँगा, उसके बाद में एक्सप्रेसवे पर जाऊँगा। बट एक्सप्रेसवे पर जाने से पहले ना सहारनपुर तक सिंगल रोड है, सिंगल रोड ख़त्म होगा सहारनपुर पहुँचने के बाद, तो सहारनपुर तक पहुँचने में भाई टाइम लग जाता है, जैसे ही 4 लाइन चालू होगी भाई रोड की कंडीशन अच्छी हो जाती है, और फिर टाइम नहीं लगता चंडीगढ़ पहुँचने में भी। पर ये रोड जो ना शायद अंदर कंस्ट्रक्शन में है, क्योंकि अभी मैं लगभग 2 महीने पहले आता ना, 2 से 3 महीने पहले तो रोड के दोनों तरफ ना पेड़ खड़े थे, बट अभी देखो पेड़ कट गए हैं और यहाँ पर शायद मिट्टी को जो ना इकसार किया जा रहा है, मतलब फ्लैट किया जा रहा है, तो शायद 4 लाइन रोड भाई बनने वाला है ये भी, बट थोड़ा टाइम तो देखो लगेगा, टाइम लगेगा, और उससे पहले आज की डेट में ना रोड की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब ही है, मतलब गड्ढे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और गड्ढे होने का रीज़न भी यही है कि बारिश हुई थी, बारिश होने के बाद में गड्ढे हो जाते हैं रोड पर।
गंगा बैराज को क्रॉस कर रहा हूँ मैं, जो कि बिजनौर में है। बिजनौर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है, गंगा के ऊपर बना हुआ ये। तो लगभग 90 किलोमीटर की ड्राइविंग कंप्लीट कर दी है और इस वक्त हम एक छोटे से गांव के आसपास खड़े हैं। अरण्या बोली कि थोड़ा सा रेस्ट करना है, इसलिए भाई हम यहां पर खड़े हो गए। एक देखो सामने ये ईंट बनाने वाला भट्टा है, इसके सामने खड़े हो गए। और कभी भी आप देखो ट्रैवल करो ना, ऐसे ही जहाँ पर थोड़े बहुत लोग आपको दिखे ना आसपास, उसी जगह पर रुकना, एकदम सुमसाम एरिया पर मत रुकना। तो यहाँ पर देखो भाई भैया लोग जो काम कर रहे हैं, भट्टा है सामने और यहीं पर भाई हम रुक गए 10-15 मिनट आराम कर रहे हैं यहीं पर। यहाँ से ना देखो हमारे इस स्पॉट से एक एरिया आने वाला है जिसका नाम देवबंद है, लगभग 10 से 15 किलोमीटर आई थिंक। तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर रुककर खाना वाना खा लो कुछ। अभी 1 बज गया है और अभी भूख भी लगने लगी मुझे भी ठीक ठाक। भाई जो बैग है ना, मेरा लगेज वाला अरण्य को ही दे के रखा है मैंने, क्योंकि मैं अगर आगे पकड़ूंगा ना इसको तो ड्राइव नहीं कर पाऊंगा भाई, इसलिए अरण्य को पीछे बिठा रखा है मैंने और अरण्य को बैग पकड़वा रखा है कि बैग पकड़ के रखो पीछे। इस पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरी इस बाइक पे ना पीछे मैंने ये लोहे का स्टैंड लगवा रखा है, पूरा बैग ना इसी पर रुक जाता है। वहाँ पर ना ठंड हो रही है लद्दाख में और हिमाचल में पूरे मनाली वगैरह में, तो मैंने गर्म कपड़े ज़्यादा रखे हैं। हाँ बोलो अरण्य। बाकी भाई मैं बाइक ना एकदम आराम से चला रहा हूँ, कोई हबड़ तबड़ी में नहीं चला रहा हूँ कि एकदम फटाफट पहुँच जाए जहाँ ही पहुँचना है, आराम से चला रहा हूँ। और वैसे आज का ना प्लान कोई फिक्स नहीं कि कहाँ पर हम रुकेंगे, कितनी ड्राइव मैं कर लूँगा बाइक, जितना भी कर पाऊँगा उतनी ड्राइव कर लूँगा, कंटिन्यू नहीं चलाऊँगा। हाँ भाई एक दिन में सीधा मनाली या लद्दाख पहुँच जाना ऐसा सीन नहीं है, जितनी बाइक चलेगी उतनी चलाऊँगा। और अभी सहारनपुर आएगा देवबंद के बाद, जैसे मैंने मैप पर देखा है सहारनपुर आएगा, उसके बाद में यमुना नगर आएगा और हरियाणा वरियाणा स्टेट पूरा आएगा। बाकी भाई देखो अरण्य के बारे में मैं आपको बताऊं, अरण्य मुझसे बोल रही थी कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतनी लंबी ड्राइव नहीं की है, मतलब मैं गई तो हूँ बाइक पर, काफ़ी बार मैं ट्रैवल किया है कि पर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर इस तरह से ड्राइव की है अरण्य ने। तो आज अरण्य सीधा 600-800 किलोमीटर की ड्राइव पर निकल चुकी है भाई मेरे साथ, एकदम बाइक ट्रिप पर खतरनाक वाले। तो अरण्य को वैसे हैबिट नहीं है, मुझे हैबिट हो चुकी है, मैंने काफ़ी बार मतलब थोड़े लंबे ट्रिप कर लिए हैं, बट अरण्य को आदत नहीं है भाई इतने लंबे ट्रिप करने की। तो अरण्य थोड़ी थक रही है, अभी सिर्फ 90 किलोमीटर कवर किया हमने, अभी मैंने अरण्य को इसलिए रेस्ट करा दे कि कोई नहीं 100-100 किलोमीटर चलने के बाद में रेस्ट कर लेंगे, या जैसे कि 60 किलोमीटर चल जाएगी हमारी बाइक, तो 60 किलोमीटर चलने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद में फिर से बाइक ड्राइव करना शुरू कर दो। बाकी देख लो भैया ट्रैफिक ठीक ठाक मिल रहा है रोड पर, कहीं कहीं से ना यार ये सहारनपुर जाते हुए देवबंद जाते हुए रास्ते में, जैसे कि अभी देवबंद आएगा या सहारनपुर आएगा, तो रोड थोड़ा ऐसा ही है अभी, मतलब टूटा फूटा ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग गया। 90 किलोमीटर पहुँचने में 2 घंटे लग गए हैं मुझे, 2 से ज़्यादा ही घंटे लग गए हैं, क्योंकि रोड की हालत भाई ऐसी है, रोड इतना ठीक ठाक नहीं हो रहा है। बाकी अभी रास्ते में भाई बड़े खूबसूरत से गांव देखने के लिए मिले, बड़ी अच्छी अच्छी सी लोकेशंस आ रही थी, अरण्य बोली कि हाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह देखने को मिल रही है, तो पसंद आई अरण्य को भी। तो भाई इंडिया में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, देखो इंडिया में ट्रैवल इसलिए कर रहा हूँ कि पहले इंडिया घुमाओ आप लोगों को और अरण्य को भी इंडिया घुमाओ, उसके बाद में फिर बाहर जाएंगे। थाईलैंड तो जाऊँगा मैं, और चाइना हो गया, जापान हो गया, उसके बाद में हांगकांग हो गया, और यूरोप में भी जाने वाला हूँ वीडियोस वगैरह शूट करने के लिए, ट्रिप प्लान करूँगा। अभी यहाँ से दिखा रहा है गूगल बाबा हमें कि राइट लेना है, और यहाँ पे भैया कुछ फ्रूट वाले भैया फ्रूट भी सेल कर रहे हैं, देखता हूँ अगर अरण्य कुछ खाना हो फ्रूट तो थोड़ा सा बाय कर लेता हूँ, बाकी और कुछ भी यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा तो। थोड़ी प्यास लग रही है, पेप्सी पियेंगे तो नॉर्मल सा हो जाता है। यार एक चीज़ मैं भूल गया, पता है क्या भूला, मैं पानी की बोतल रखना भूल गया, सारी चीज़ें भाई A to Z ले ली मैंने, बस एक पानी की बोतल लेना भूल गया मैं। अभी प्यास लग रही है ना तो पानी की खोज करनी पड़ेगी, खोज के खरीदना ही पड़ेगा, मतलब नई बोतल खरीदनी पड़ेगी पानी की,
ऐसा तो मिलेगा नहीं ना बाहर कहीं भी। यहाँ पे जो गवर्नमेंट नल लगाती है हमारे यहाँ पे हेडपम्प लगाती है वो है नहीं आई थिंक, तो लेना पड़ेगा शायद। अरना यू वांट टू ड्रिंक पेप्सी, पेप्सी यू वांट टू ड्रिंक, ओके वी विल फाइंड इफ सम इफ हैव एनी शॉप देन वी विल बाय सम पेप्सी। हियर हैव फ्रूट सम, ओह हियर वन गाय इज सेलिंग फ्रूट। Want to buy fruit? No? Okay. Just drink Pepsi. Pakoli? No, just Pepsi, na? भाई एक थम्स अप दे देना 50 वाला। हाँ 50 वाली दे दीजिए। Pepsi. You want to buy anything? If you want to eat anything, just tell me. Have samosa, have pakodi, huh? No? Fruits? Okay. We will eat some food later. We will eat something so. अंदर एक टाइम नहीं करना है, सिर्फ आपको ढककर खोल के घर में रखना है। तो जहाँ आपके घर में रहेगी बस। चलो शुक्रिया भैया। हाँ वी विल ईट लेटर देयर। फाइनली एक पेप्सी बाय कर ली है 50 रुपये की, हाफ लीटर से ज़्यादा है। और बड़ी पेप्सी भाई इसलिए बाय की है मैंने क्योंकि अभी ना भूख लग रही है, तो कहीं पर रुक कर ना कुछ खाएंगे तो खाने के साथ में पी लेंगे और अभी भी थोड़ा थोड़ा सा पी लेंगे। बाकी अभी थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ 2-3 किलोमीटर ड्राइव और कर लूँ और कोई अच्छा सा होटल मिले, वेज हो या नॉन वेज हो जो भी हो भाई, वहीं पर खाना वाना खाएँगे कुछ। दाल सब्जी अच्छा, दाल मखनी शाही पनीर रायता चार रोटी चावल सलाद गुलाब जामुन, ये 290 वाली है खाली एक। यूजुअली ट्राई वन ब्रेकफास्ट इज गुड देन अदर वन सलाद के लिए, बट थोड़ी ज़्यादा कोल्ड है। हियर डोंट हैव एनी वन सो गाइस फाइनली इस ढाबे पर भाई खाना वाना खा लिया हमने, दोपहर का मतलब लंच हो चुका है। और अभी मैंने भाई यहाँ से निकल रहे हैं, खाना जो था यहाँ पे अच्छा था, टेस्ट वगैरह बढ़िया था, बिल जो हुआ हमारा लगभग 450 तो भाई सुबह तो वैसे हम जल्दी घर से चल दिए थे, बट अब जो है टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है क्योंकि रोड की हालत जो थी थोड़ी ख़राब थी, इस वजह से टाइम लग चुका है। ईस्टर यहीं पे होने वाले हैं चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के आसपास में एक एरिया है ज़िरकपुर नाम से वहीं पर स्टे करेंगे। सिर्फ 600 रुपीज़ में हो गया है होटल, मतलब होटल में जो रूम कह रहे हैं 600 रुपीज़ में क्या दो लोगों के लिए, तो ठीक मतलब मिल गया होटल, ठीक डील मिल गए भाई। क्योंकि देखो अगर अभी हम डायरेक्ट आगे जाते मनाली जाते और कहीं आगे जाते तो दूर है, काफ़ी ज़्यादा दूर, और पहाड़ों में चलने पे तो भाई और ज़्यादा टाइम लगता है, और रात में ड्राइविंग करना सेफ है नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा आज का जो है रात भाई चंडीगढ़ में बिताएंगे और आराम से रेस्ट करने के बाद में भाई जब जाएंगे आगे को।
यहाँ पे वैसे चंडीगढ़ में जब भी आता हूँ ना यहाँ पे भाई कभी भी किसी भी जगह पे जाओ तुम किसी भी एरिया में ट्रैफिक यहाँ पे अच्छा कहाँ से मिलता है। अभी तो कितना ट्रैफिक चल रहा है, हाईवे पे भी ट्रैफिक है। जो हाईवे सीधा अम्बाला जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, दिल्ली यहाँ से 242 किलोमीटर है, अम्बाला 30 किलोमीटर है, और देख लो ठीक ठाक ट्रैफिक मिल जाता है भाई किसी भी जगह जाओ किधर भी तुम। भाई अभी अभी स्यापा हो गया है। स्यापा क्या मतलब, मैं नीचे से गया ना ऐसे घूम के यू टर्न जो लेकर आया हूँ मैं, तो मैंने गलती कर दी। मुझे मतलब पहले इस ब्रिज पर आना था और मैंने यू टर्न वाले पे कर दिया और यू टर्न लेके फिर से इस ब्रिज पर आ गए, तो मतलब 4 किलोमीटर चला दी बाइक भी ना। मतलब के कभी कभी ना हो जाता है कन्फ्यूजन में, थोड़ा बहुत हो जाता है ट्रैफिक। और भाई सामने देख लो यही है पूरा चंडीगढ़ और जिराकपुर, तो इसी एरिया में हमारा जो होटल है भाई आज के लिए। सामने आप लोग देख लो काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग है भाई। अभी देखते हो होटल किस जगह पर है। वैसे मैंने ऑनलाइन चेक किया था ना तो लोकेशन तो ठीक ठाक दिखा रहे थे उसकी, और जो एरिया है वो भी ठीक दिखा रहे थे, बट अभी देखते हैं पहुँचने के बाद। मैंने ना भाई ग्रोथ बहुत अच्छी कर ली है। अभी देखो जैसे कि हरियाणा का और पंजाब का और हिमाचल का ना जो जो कैपिटल है वो यही है चंडीगढ़, और सामने देखो तो बस जा रही है ना ये ग्रीन वाली, ये जा रही है हिमाचल सोलन जा रही है सीधी। वाह भाई मज़ा आ रहा है। मतलब अभी इस जगह पर आकर जहाँ पर इस वक्त चल रहा हूँ ना ऐसा लग रहा है दुबई में पहुँच गया भाई। दुबई सेम टू सेम ऐसा ही है, कभी आप जाओगे तो ऐसे ही दिखाएगा जैसे यहाँ पर बिल्डिंग है ना ये एकदम यूनिक और नई, वह इस तरह का ही दुबई भी है। कुछ एरिया हैं दुबई का जो इस तरह के लगेंगे, बाकी दुबई यहाँ से ज़्यादा कोई डेवलप है। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं अपने होटल पर और चेक इन कर लिया है। ट्रिपल वन चेक, बाकी रिसेप्शन का एरिया और यहाँ पे जो भी लॉबी का एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो प्रॉपर्टी नई बनी हुई है ट्रिपल वन दैट्स वन दिस वन दैट वन दैट वन ट्रिपल वन। हाँ सो गाइज यही है भाई आज का जो हमारा स्टे है, यही होटल में हमारा रूम है। और भाई रूम मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और होटल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। रूम में स्पेस नहीं इतना, बट यहाँ पे जो चीज़ें वो सारी हैं। अभी मैं आपको देखो रूम का थोड़ा सा टूर करवा देता हूँ। तो ये हमारा मेन एंट्री डोर है, ठीक है। यहाँ पर एक कार्ड है, इसको लगाने के बाद में आपकी सारी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें काम करना शुरू कर देंगी। और इसी के साथ जैसे हम एंटर होंगे यहाँ पर देखो बैठने के लिए काफ़ी अच्छी चेयर मिली है। अभी मैं बैठ कर आपको दिखा देता हूँ, वही काफ़ी कंफर्टेबल चेयर है। टेबल है यहाँ पर, नाश्ता करना हो आपको खाना खाना हो कर सकते हो, टेबल यहाँ पर इन्होंने दे दिया भाई। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी इनकी यहाँ पर। इसी के साथ लॉकर दे दिया भाई, ठीक है। देखो काफ़ी बड़ी अलमारी है, वुडन की अलमारी लकड़ी की। तो अपना हेलमेट वगैरह सारा कुछ मैं जो लगेज है यहीं पर आराम से रख दूँगा, कोई इशू ही नहीं है। और यहाँ टेलीफोन यहाँ पर दिया है, एसी का रिमोट यहाँ पर रखा है, एसी लगी हुई है सामने। ये देखो बेड का आउटलुक, देखो आप किस तरह का बेड है भाई, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। कितना अच्छा था एकदम, इस पर वुडन डिज़ाइन दिया इन्होंने। तकिया भी ठीक है, बेड भी ठीक है और क्लीन है, रूम में से कोई भी स्मेल नहीं आ रही है। और देखो भाई बाथरूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये देखो शीशा कितना प्यारा से यहाँ पर लगा के दिया है, वो काफ़ी क्लीन बाथरूम है भाई। आई थिंक ये होटल जो है ना ये प्रॉपर्टी नई बनी है, इसी रीज़न से काफ़ी अच्छी है अभी तक, मतलब इसे सारी चीज़ें हैं। तो गाइस मैं जाने वाला हूँ थोड़ा सा नाइट लाइफ को एंजॉय करने, क्योंकि यहाँ पर जो है ना जहाँ पर हमारा होटल इसका आसपास में बहुत सारे मॉल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं खाने पीने की, तो नाइट लाइफ की भी वीडियो बनाएगी। चंडीगढ़ में ये जगह है जिराकपुर नाम से, वहीं पर हमारा ये स्टे है। और चंडीगढ़ यहाँ से 10-12 किलोमीटर है, मतलब मेन मतलब मैं आपको बताऊं कि एकदम चंडीगढ़ में ही है, चंडीगढ़ ही बोल सकते हो आप इसको।
बाकी ये वीडियो यहीं पर एंड करेंगे और आज पूरी रात रेस्ट करने के बाद में, बाहर घूमने फिरने के बाद में, कल की जो है राइडिंग शुरू की जाएगी।